नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरा गार्डन वर्क बताने जा रही हूँ, किचन वेस्ट के बारे में बताऊंगी। देखिए, थोड़ा सा सुखा ली हूँ और इसका यूज़ करके कितना बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है वही आपको ना व्यू करा रही हूँ। देखिए, एक नया फ्लावर खिला है वैजयंती का, इसको मालती भी बोलते हैं। ये कितना बड़ा हेल्दी प्लांट होता है, देखिएगा फ्लावरिंग भी बड़ा बड़ा होता है। आप भी किचन वेस्ट का ना यूज़ करिएगा ज़रूर। इसमें पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस का मात्रा भी बहुत ही पाया जाता है। घर में बनाए हुए कोई भी ना वो बेस्ट रहता है, बाहर से हम लोग लाते हैं तो मिलावटी ज़्यादा रहता है। तो देखिए, आज थोड़ा सा धूप में 2-4 घंटा सुखा दूंगी। हमारे यहाँ तो बारिश बहुत ही हो रही है, तो थोड़ा खुला है आज तो सुखा रही हूँ, लेकिन 1-2 बजे के बाद ना फिर वो हवा के साथ ना वो बारिश ही हो ही जाता है बूंदाबांदी। तो गार्डन वर्क भी ना कमीज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि ना, और गार्डनर का तो काम लगे रहता है, ये करना वो करना, तो ना कुछ काम लगे रहता है, तो बारिश भी हो जाता है। तो आज ना थोड़ा सा सुखा के फिर से हम किचन का वेस्ट का ना एक दिन और पहले भी घड़ा का मैं बनाया हुआ वो भी यूज़ कर ली हूँ, आधा में हुआ है। फिर इधर जो जो बचा है उसी प्लांट में डाल दूँगी, तो बहुत हेल्दी प्लांट बनते हैं और वो भी होता है। बायो एंजाइम का बनाई हुई हूँ बाटल में, इसका बताऊंगी एक दिन बायो एंजाइम कैसी बनाती हूँ। वो भी बहुत बड़ा टर्निक का काम करता है, इम्यूनिटी भी प्लांट के लिए बढ़ाता है। ऑरेंज कलर का बहुत ही बड़ा ही हिबिस्कस का फ्लावर है, देखिए खिला हुआ है। एक कॉसमस का ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर का भी खिला हुआ है मेरे गार्डन में। इधर सब जेड प्लांट, मैं वो सो प्लांट कम ही रखी हूँ, फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा रखती हूँ मैं, वो पूजा वूजा के लिए काम आता है ना, तो फ्लावरिंग प्लांट बस लगाती हूँ। इधर देखिए ऐसी दिख रहा है गार्डन। इधर टिकोमा फ्लावर भी अभी ना खिलता रहता है, गर्मी में थोड़ा सा इसका वो रहता है, लेकिन ना बहुत ही खिलता है ये। इधर ही हिबिस्कस का है, अलग अलग कलर का, येलो कलर, सब ऐसी गार्डन दिख रहा है अभी। अभी बारिश ही ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, तो काम भी कम ही हो रहा है। विंटर का अभी फ्लावरिंग प्लांट लाना पड़ेगा मार्केट से, पिटूनिया आगा। ये देखिए ऐसी दिखता है आज ना मेरा गार्डन, इधर सब एक लाइन में। अभी ये ओके फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, श्री राधे राधे।